है अंदर। दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। You are under arrest. शुक्रिया, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर भुवन रायचूर, ऐसा क्या है जो आप सिर्फ सीबीआई के सामने बोलना चाहते हैं, वो भी सिर्फ राघव के सामने? देखिए, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। वो तो हर दोषी कहता है। Why should we trust you? You should trust me क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट क्यों मिस्टर भुवन रायचूर? क्योंकि सिर्फ तुम लोग मुझे बचा सकते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये खून मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मैंने अपनी भाभी का रेप मर्डर नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और वो कैसे? मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसकी सीबीआई को सालों से तलाश है। एजेंट राघव, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता सकता हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान सालों से तरस रहे हैं। बस एक मिनट में मैं तुम्हारे सालों की तलाश खत्म कर सकता हूं। मिस्टर रायचूर, आप बातों को घुमा फिरा के बोलने के बजाय सीधा पॉइंट पर आएंगे तो अच्छा होगा। राघव, आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो फ्रॉम हियर। 119 हुंडी मार्केट, मेरठ। जाकर देखो इस एड्रेस पे, तोहफा है तुम्हारे लिए। और हाँ, अगर तोहफा पसंद आया तो मैं यहीं हूं, आकर मुझे बता देना। ध्यान में रखना एक बात, 2 दिनों बाद मुझे तिहाड़ शिफ्ट किया जा रहा है, उसके पहले आकर बता देना। एजेंट राघव, तोहफा है, ट्रैप नहीं। सोच लो, क्यों मैडम आ गया ना मैं सीधा पॉइंट पर। ये मिस्ट्री राज, भुवन रायचूर इतनी गोल घुमा के बातें क्यों कर रहे हैं? वो भी क्रिमिनल इतने कॉन्फिडेंटली तभी बात करता है जब उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड हो। तुम्हें क्या लगता है कौन से राज के बारे में बात कर रही है? भुवन का ट्रैक रिकॉर्ड देख के तो ये लगता है कि वो हमें किसी ना किसी शैतान तक जरूर पहुंचाएगा। एक बार देख के आना, मैं क्या हर्ज है, वीकेंड है, डोंट वरी, मैं मेरठ के लिए कैब ले लेता हूं। वो नॉट सो सून बॉय स्काउट, ये मिस्ट्री और राज सिर्फ तुम्हें को पसंद है क्या? आई एम कमिंग विद यू। सीबीआई, नील डाउन। अच्छा, नया संभालो। राघव,
विदूषक? ये विदूषक है? नहीं, ये काम विदूषक का ही है। ये लाश कम से कम 1-1.5 साल पुरानी है। हेलो चीफ, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कमाल है, इतनी जल्दी वापस आ गए एजेंट राघव। तुम विदूषक के बारे में क्या जानते हो? यही, ये वो ना केवल इंडियन गवर्नमेंट बल्कि कई इंटरनेशनल एजेंसीज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। मैं ये भी जानता हूं कि इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड अलर्ट जारी किया है। मैं ये भी जानता हूं एजेंट राघव कि तुम उसे इतने सालों से क्यों ढूंढ रहे हो। तुम्हारे पिता का हत्यारा है वो। और एजेंट राघव, मैं ये भी जानता हूं कि विदूषक इस वक्त कहां है। कहां है? कमाल है, इतनी जल्दी सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अरे पहले मुझे यहां से, पहले मुझे बेगुनाह साबित करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। गिव एंड टेक, सिंपल। कहां खो गए एजेंट राघव? तुम विदूषक से कब मिले? तुमने मेरी फाइल तो पढ़ी होगी। कई बदनाम गलियों से गुजरा हूं मैं, बस उन्हीं में से किसी गली में टकरा गया मैं विदूषक से। बस अब बाकी की इंफॉर्मेशन यहां से रिहा होने के बाद ही दूंगा मैं, क्लियर? तब तक वो मैं जेल में था। मुझे इस केस की तह तक पहुंचना ही होगा। हमें राघव, हमें नहीं त्रिशा, लड़ाई मेरी है। विदूषक को ढूंढना हम सबकी ड्यूटी है राघव। ये मत भूलो कि विदूषक सिर्फ तुम्हारा मुजरिम नहीं है बल्कि कानून का भी मुजरिम है। थैंक्स त्रिशा। एनीवेज देखो राघव, मैंने चीफ को प्रॉमिस किया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमें ये पता चलता है कि भुवन गिल्टी है तो फिर त्रिशा विल मेक श्योर कि वो उस तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। Yeah, good. So let's get on with the case then. Great. लेकिन हमारा प्लान क्या है? रायचूर मैंशन की सैर करके आते हैं। जी कहिए। सीबीआई, चारू रायचूर के मर्डर के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। आइए। सीबीआई, प्लीज कम इन। जी मैं शंकर रायचूर, चारू का हस्बैंड। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? जी मैं भुवन का बड़ा भाई हूं और ये हमारे पिताजी जी। इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और चारू की मौत के बाद इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। जी ये मेरे स्वर्गवासी भाई हैं शंभू रायचूर। 3 साल पहले ही इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिन्होंने दरवाजा खोला था वो प्रकृति मेरी भाभी है। उनका एक 16 साल का बेटा है मुन्ना। के अलावा मेरा और चारू का बेटा विवेक 5 साल का हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ वॉशरूम कहाँ है? जी सीधा जाके लेफ्ट। ओके थैंक यू।
मनु ना? दोन के भतीजे। चुप क्यों रहे थे? एक्चुअली वो आप सीबीआई से हो ना, तो मैं बहुत क्यूरियस था कि आप काम कैसे करते हो। आपको पता है मुझे तो डिटेक्टिव नॉवेल्स भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी सब लोगों से पूछा चल रही है, आई थिंक वहां तुम्हारी जरूरत है। चारू और भुवन का रिश्ता कैसा था? चारू चाची और भुवन चाचा ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। चारू चाची उन्हें इतना पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन भुवन चाचा उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। मैंने देखा है खुद। भुवन तो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। मेरे पति और ससुर ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक वो भाग गया और बस अभी 2 महीने पहले ही लौटा है। लेकिन एक बात और, चारू भी कुछ ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि दूसरे मर्दों के साथ उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। जरूरत से ज्यादा दोस्ती करने की आदत थी उसकी। मैं तो अपने मनु को भी उससे दूर रखती थी। आप चोर हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो पुलिस हूँ। भुवन का कहना है कि उसका और चारू का अफेयर था। वो सब तो मुझे पता नहीं, पर हाँ चारू की निजी जिंदगी के बारे में उसकी बहन लता को ही पता था। अच्छा बेटा, अपने चाचू के बारे में कुछ बताओ। चाचू? चाचू को ले गए क्योंकि वो बैडमैन थे ना, इसलिए। बैडमैन है? क्यों? तुम्हारी मम्मी की वजह से? मम्मी तो गौर के पास चली गई है ना। चाचू डागू को बहुत मार के थे। बैडमैन डागू बहुत करो के थे चाचू की वजह से। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? What happened, Raghav? आप अंदर कैसे आए? आपने तो बोला था कि सिर्फ पूछताछ करनी है। और सर्च वारंट कहाँ? कभी कभी कुछ बारीक डिटेल्स आंखों से ओझल हो जाते हैं। उनको फिर से ढूंढ निकालना ही मेरा हुनर और पेशा है। बस मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और क्या बारीक डिटेल चाहिए? कमरा अंदर से बंद था और भुवन ने ही खून किया था क्योंकि वो अंदर अकेला था, तो फिर ये सब क्यों? कमरा अंदर से बंद भी था और नहीं भी। ये कैसे हो सकता है? भाभी जी आप ही बताइए कि कमरा अंदर से बंद था और वो अकेला ही था चारू के साथ। नहीं मतलब? बताता हूं, अब लोग अंदर आइए। ये आप कुंडी देख रहे हैं यहां पर, और इस की चेन में एक छोटा सा मैग्नेट। कोई मैजिक दिखा दो, देखिएगा। अब देखिएगा आप। देखा आप लोग? आइए
इस घर के सारे लैचेस मॉडल मेटल के बने हुए हैं। दबाए इसके, ये लोहे का, इसे खोलने के लिए एक मामूली सा मैग्नेट भी काफी है। इसका मतलब इस तरह तो इस कमरे में कोई भी दाखिल हो सकता है। आपने कहा था कि चारू बस अपनी बहन लता के काफी करीबी थी। मैंने पुलिस रिपोर्ट में उसका बयान पढ़ा था। We need to meet her. विक्रम, चारू की बहन लता को हेडक्वार्टर लेकर पहुंचो। मैं और राघव तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। बॉस, here. लता का नंबर मैंने कंटिन्यूअसली ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा। कुछ और पता चला? लता का ये जो नंबर है ये चारू के नाम पे रजिस्टर्ड है और पिछले 2 सालों से एक्टिव था, लेकिन तकरीबन परसों से अनअवेलेबल आ रहा है। इसकी लास्ट लोकेशन लता का होम एड्रेस है। विक्रम और राजवीर अभी वहीं पर गए हुए। लता जी, हम सीबीआई से हैं, दरवाजा खोलिए। अरे एक्सक्यूज मी मैडम। यस। ये लता जी जो यहाँ रहती है वो कहाँ गई है? वो तो 3 दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट हो गई। विक्रम, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। राजवीर। षटभुज कक्ष, दूसरा विभाग, ये क्या है? What does this mean? कुछ समझ नहीं आ रहा है। षटभुज कक्ष, दूसरा विभाग, यानी हेक्सागन रूम, सेकंड डिपार्टमेंट। हेक्सागन चेंबर्स नहीं, अपार्टमेंट्स। राइट बॉस, पति चेक करो कि हेक्सागन अपार्टमेंट नाम की कोई बिल्डिंग है कि? हेक्सागन अपार्टमेंट है ग्रीन पार्क पे। कितने विंग्स? 3। देखो इसके दूसरे विंग में लता का ऑन इट। राघव, राघव, इस मैसेज में लता का एड्रेस ही, ये तो मैं समझ गई हूँ। ऐसा मैसेज कोई क्यों छोड़ेगा? इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो चाहते थे कि हमें ये मैसेज मिले। एग्जैक्टली, और इसीलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं। मैसेज साफ था, सेकेंड विंग हेक्सागन अपार्टमेंट्स। राघव, ये सब मैं समझ गई हूं, लेकिन भुवन सच बोल रहा है, वो विदुषक को जानता है। विदुषक नहीं चाहता कि भुवन बाहर है, लता की जान को खतरा है और हमें उसे बचाना ही होगा। हेक्सागन
हेक्सागन अपार्टमेंट बी विंग में लता का फ्लैट नंबर 803। राघव विक्रम और राजवीर इस वक्त साउथ दिल्ली में है, ग्रीन पार्क के आसपास। आई थिंक वो हम में से सबसे पहले लता तक पहुंच पाएंगे। ओके, तुम ऐसा करो, विक्रम और राजवीर को वो एड्रेस भेजो अभी। आई विल डू दैट। राजवीर, ग्रीन पार्क, जल्दी। ग्रीन पार्क? लता का नया एड्रेस है। आई थिंक वी विल रीच देयर इन 15 मिनट्स। यहां से राइट। लता जी, विक्रम, अटैक अभी हुआ है, इसका मतलब किलर अभी भी बिल्डिंग में होगा, जाके देख। मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जाइए। लता जी हिम्मत मत हारिए, एम्बुलेंस आ रही है। जरूर कुछ जानती थी जिसे भुवन बाहर आ जाता, वरना विदूषक यहां आने का खतरा कभी नहीं लेता। विक्रम, एक मिनट, लता ने वहां पॉइंट किया था उस तरफ। चारू की तस्वीर है। काम विदूषक का नहीं है, आसपास कोई जोकर का मास्क नहीं। क्या हो सकता है कि हमारे आने से उसे जल्दबाजी में निकलना पड़ा होगा? विदूषक कोई काम जल्दबाजी में नहीं करता। लेकिन अगर लता को विदूषक ने नहीं मारा तो फिर वॉल पे मैसेज छोड़ने का क्या मतलब है? वो हमारी मदद कर रहा है, वो चाहता है कि भुवन बाहर आए। क्यों? उससे तो विदूषक को पकड़ने में हमारी मदद होगी। हो सकता है विदूषक और भुवन कोई डबल गेम खेल रहे हो।
एनीवेज आई होप कि लता की डायरी में से कुछ कॉन्क्रीट मिले। स्वाति, इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब चारू स्कूल में थी। उसकी सारी करतूतों पे पर्दा मुझे ही डालना पड़ता था। लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझती थी। पर्सनल डायरी है एंड दिस एंट्री चारू के मर्डर के एक हफ्ते बाद की है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। चारू, मैंने झूठी गवाही दी। आई एम सॉरी। तेरे और भुवन के बारे में झूठ बोलने के लिए मुझे बहुत पैसा मिला। रायचूर एस्टेट के पैसों ने मुझे चुप करा दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बस दैट्स इट। हाँ चलो, इतना तो पता चल गया कि ये हरकत रायचूर फैमिली में से किसी ने की है, मतलब खूनी घर में कोई है। तो अब क्या? आगे अरेस्ट। पर कैसे राघव और किसको? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बॉस, ये ईमेल आया है। शंकर के लॉयर ने कोर्ट में अर्जी पेश की है। वो सारा बिजनेस अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है। शक के लिए काफी है। फाइल इसके अरेस्ट से शुरू करते हैं। अरेस्ट हिम। व्हाट रवेश, किस जुर्म में? अपनी पत्नी चारू के कत्ल के जुर्म में। क्या बकवास, चारू का कत्ल भुवन ने किया है और मैं तो उस रात घर पे था ही नहीं। ओ हाँ, ऑफ कोर्स, आप तो मेरठ में थे ना। लेकिन ढाई घंटे की जर्नी काफी होती है ना टू एग्जीक्यूट अ परफेक्टली प्लान्ड मर्डर। बस इस बेसिस पर आप मुझे अरेस्ट करने चले आए? ओ, अब समझा, क्योंकि मैंने सारा बिजनेस अपने नाम पर शिफ्ट करने की अर्जी डाली थी। भुवन 14 साल के लिए जेल चला जाएगा और उसके बाद सारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स। आप गलत कर रहे हैं। जी नहीं शंकर रायचू, हमें पता है कि आपको अपने भाई और अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में खबर थी और आपने लता को बहुत चुप कराने की कोशिश भी की थी जिससे कि आपका जुर्म बाहर ना आ सके। चलिए ले चलिए। रुको, पापा आप अंदर चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं शंकर, नहीं और नहीं, किसी और की गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगे? आप प्लीज जाइए, मेरे पापा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जब मैं पहली बार यहां आया था मैं तभी समझ गया था कि ये सब एक नाटक है। मानसिक रूप से बीमार, वो भी आपकी उम्र के लोग, तो डॉक्टर हमेशा घर में रहने की हिदायत देते हैं। ऊपर से आपके बेटे ने कहा कि आप घर से कहीं बाहर निकले ही नहीं। और जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब शायद आप अपने पजामे से वो बाहर की मिट्टी साफ करना भूल गए थे और आपकी वॉकिंग स्टिक जो कि बाहर रखी थी गीली थी, जबकि उस दिन बाहर कहीं भी आसपास बारिश नहीं हुई। अब आप लोग बताएंगे कि चारू का खून किसने किया या हम लोग अपना तरीका आजमाएं? मैं बताता हूं, भुवन से बड़ा कपूत शायद इस दुनिया में कोई दूसरा पैदा हुआ होगा। शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। शायद हमारे लाड प्यार की वजह से वो बचपन से ही गलत रास्तों पर चल पड़ा। जब तक घर से बाहर था तब तक घर में शांति थी, वो वापस आया तो घर का माहौल फिर से बिगड़ गया। उसका और चारू का गलत संबंध था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर उसने मेरी एक ना मानी। चारू के मर्डर के बाद हमें लगा कि भुवन से हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा, इसलिए हमने लता को पैसे दिए और बोला झूठी गवाही देने को कि भुवन ही चारू का पीछा कर रहा था। कोई अफेयर नहीं था, पर आप लता तक पहुंच चुके और इसीलिए मैंने लता को मार दिया। लेकिन साहब,
मैं उन्हें बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि चारू को आपने नहीं मारा, उसे उसे भुवन नहीं मारा है। ये सच बोल रहे हैं कि इन्होंने चारू को नहीं मारा, लेकिन चारू को भुवन ने भी नहीं मारा। आपको याद है मैंने आपको उस दिन एक कड़ी दिखाई जो कि मैग्नेट से हिलती, उस दिन मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया था। एक्चुअली इस घर में ऐसे दो कमरे हैं जहां की कुंडियां मॉडर्न मेटल की नहीं बल्कि लोहे की है जो मैग्नेट से हिलाई जाती। दो कड़ी क्यों? एक भुवन के कमरे को खोलने के लिए और दूसरा उसके कमरे को खोलने की प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आज जब मैं वो कुंडी देखने गया तो वो कुंडी बदल दी जा चुकी थी, तब चोर ने दाढ़ी में से तिनका निकाल दिया। मनु, ये तो मनु का कमरा है। नहीं नहीं मां, ये मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई खून नहीं किया। अब ये तो तुम्हें हेडक्वार्टर्स चल के बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारे कमरे की कुंडी किसने और कैसे बदली। मनु, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का शौक। हाँ है, लेकिन इससे क्या प्रूव होता है? यार मुझे तुम्हारे कमरे में एक भी डिटेक्टिव नॉवेल नहीं मिला, बल्कि उल्टा मुझे वहां कुछ केमिस्ट्री की किताबें मिली मैक्सिमम। ये तो नहीं कि तुमने उन्हें पढ़कर एक ऐसा पोषण तैयार किया जिससे आदमी कई घंटों तक बेहोश है। नहीं नहीं झूठ है माँ, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, झूठ है। लेकिन चारू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो की बॉडी में ल्यूपिडियम पाया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, शराब ल्यूपिडियम कैसे रोग खत्म कर देता है, कोई बेहोश होगा ही नहीं। अच्छा, बड़ी नॉलेज है तुम्हें स्लीपिंग पिल्स के बारे में। ल्यूपिडियम नहीं था तो फिर कौन सी नींद की दवाई दी थी, या फिर वो केमिकल सॉल्यूशन तुमने तैयार किया था? अच्छा चलो ये बता दो कि तुम्हें कैसे पता कि शराब में नींद की दवाई मिलाई गई थी? नहीं वो तो चाचा और चाची वो शराब पीते थे ना रोज, इसीलिए। कितने झूठ बोलोगे मनु। अच्छा एक काम करते हैं, एक सच मैं बताता हूँ। तुमने भी रिसेंटली में ही फर्श साफ किया था ना, तुमने कुंडी तो बदल दी लेकिन लेजीनेस में फ्लोर क्लीनर्स हटाना भूल गए। अरे इतने बड़े घर का लड़का है, इसका सारा काम नौकर चाकर करते हैं, उसे अपने कमरे में अलग से फ्लोर क्लीनर रखने की जरूरत क्या है? भी बारीकी से देख के आया, उन बॉटल्स पर खून के निशान और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है दादाजी, आप मुझ पे विश्वास नहीं करते। ये खून मैंने नहीं, ये भुवन चाचा ने किया है। बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। सबसे पहले तुमने भुवन और चारों की शराब में अपनी इजाद की हुई नींद की दवाई मिलाई, फिर चारों का खून करने के बाद उस कमरे से थोड़ा सा खून तुम्हारे साथ बाहर भी आया था ना। और ऐसा होगा ये सोचकर तुमने फ्लोर क्लीनर्स का इंतजाम पहले से करके रखा था। ऐसे ही हुआ था ना? चारू चाची, चाची नहीं थी वो, मेरी एक अच्छी दोस्त थी, प्यार करता था मैं उनसे, हम एक साथ थे। लेकिन भुवन चाचा जब से आए उसने मुझे धोखा दे दिया। एक दिन मैंने उसे देखा, कई दिनों से देख रहा था,
मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। मैंने मौका देखते ही कड़ी बदली और मार दिया उसको। चलो से मजा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। हेलो एजेंट राघव, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, पहले तंदूरी चिकन हो जाए। तुम्हें किसी सेफ हाउस में रखना होगा, बाहर बहुत खतरा है। ओके, पर तंदूरी चिकन का सप्लाई मत रोकना प्लीज। ये बुरा मानने की क्या बात है? What an experience! मैं जेल पहली बार गया। जितना बुरा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा निकला। I tell you, cockroach, कीड़े। Sorry, just experience. All thanks to Agent Raghav. Thanks to मुझे भी दुष्यंत का पता बताकर भी अदा कर सकते हो। That's a deal. I know that's the deal, Agent Raghav. Patience. Tandoori. Don't worry, कोई पीछा नहीं कर रहा है। इसी बात का डर है कि विदूषक की अगली चाल क्या है। ओ, विदूषक का ये डर, मार देगा विदूषक का ये डर, डर। Shut up. Okay. ये क्या? तुम लोग गाड़ी में रहना और अलर्ट रहना। It's a trap! विंडोज बुलेट प्रूफ है, तुम यही रहो। Oh,
भुवन हमारी आंखों के सामने मारा गया और हम कुछ नहीं कर पाए, नथिंग। हम लोग ये रूट लेने वाले हैं, ये बात सिर्फ हमारी कोर टीम को बता दी। ये बात लीक कैसे हुई? हेलो।